तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं पारिवारिक पेंशन जो मिलनी है जिन हमारे साथियों को, और जिनके जो पारिवारिक पेंशन मिलनी है उनकी जो मृतक परिवार वाले थे, पति पत्नी हो या कोई और फैमिली में हो, जो मृतक हो गए कोविड-19 से संक्रमित हो गए जब वो चुनाव ड्यूटी कर रहे थे या चुनाव का प्रशिक्षण करने के लिए गए थे सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश में, तो उनकी जो परिवार में पेंशन मिलनी है तो उसके संबंध में कौन कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज आपको जमा करने होगा, कितना प्रतियों में करना होगा, उसी से संबंधित एक वीडियो है। तो यहाँ पर 7 प्रतियों में मांगा गया है। सबसे पहले डिटेल जो होगा आपका वो मृतक अध्यापक का होगा, जो हमारा अध्यापक मर गया है यानी कि मृतक हो गया है, तो उसका नियुक्ति पत्र लगेगा, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, उसका अधेय प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये 3 प्रकार के प्रमाण पत्र जमा करवाने होंगे। किसी भी असुविधा के लिए आप अपने मतलब खंड शिक्षा अधिकारी जो हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि कोई इसमें समस्या आ रही हो समझने में। इसके बाद में जो प्रार्थी होगा जिसको पेंशन मिलनी है उसको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना बैंक पासबुक, अपना वारिसान प्रमाण पत्र, 3 फोटो, परिवार का विवरण, जन्म तिथि सहित देना होगा। और इसके बाद में आपको 7 नॉमिनी 7 नंबर पर है जो नॉमिनी का विवरण में अध्यापक से क्या संबंध था, उसकी पहचान चिन्ह नॉमिनी की, लंबाई और अविवाहित या विवाहित किस स्थिति में है और पता, तो ये जानकारी देनी होगी। उसके बाद में 8 नंबर पर शपथ पत्र एक देना होगा और शपथ पत्र में खंड विकास अधिकारी जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के लिए एक शपथ पत्र बनेगा, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी वित्त एवं लेखा अधिकारी ऑब्लिक करके पति पत्नी की मृत्यु के बाद शादी नहीं की है और ना ही करने के इच्छुक हैं। तो मतलब जैसे जिनको पेंशन ये मिलेगी उसने अभी तक यानी कि जब से वो मृतक हो गया हमारा साथी शिक्षक, उसके पत्नी यदि है तो उस दूसरी शादी नहीं कर सकती है, इस बात का शपथ पत्र देना होगा। और यदि कोई पत्नी किसी की एक्सपायर हुई है तो वो पति शादी नहीं कर सकता है, इस बात का यहाँ पर वो देना होगा, शपथ पत्र देना होगा। तो इस प्रकार से ये 8 पॉइंट हैं जिसको प्रार्थी या प्रार्थनी को देने हैं और 3 पॉइंट जो मृत अध्यापक है उसके डिटेल में देने होंगे। तो इस प्रकार से आपकी पारिवारिक पेंशन बनवाने के लिए ये इतने दस्तावेज 7 प्रतियों में देने होंगे। जब आप दे देंगे तो इस पर आगे कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप अन्य शिक्षक साथियों में ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये शिक्षकों के लिए ही है।